नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। इंदौर में बीजेपी विधायक द्वारा नगर निगम अधिकारियों की पिटाई के बाद मुंबई के डोंबिवली में भाजपा पदाधिकारियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात जब भाजपा पदाधिकारियों द्वारा एक रिक्शा चालक का अपहरण कर जान से मारने का प्रयास कर उसकी जमकर पिटाई की गई। घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मुंबई स्थित KM अस्पताल में भेजा गया। इस मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज है, इसमें से एक भाजपा पदाधिकारी है। आपको बता दें कि मुंबई के डोंबिवली में रिक्शा स्टैंड मालिक यूनियन और रिक्शा चालकों में हमेशा तनातनी देखने को मिलती है। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों को जानकारी मिली कि बाबा साहेब श्याम सुंदर कांबले को जानकी होटल से कुछ लोग रिक्शा से उठाकर ले गए हैं, जिसके बाद उसका भाई सिद्धार्थ उसकी खोज में निकला तो उसने देखा कि उसका भाई खून से लथपथ हुआ शोलर चौक पर पड़ा है। बाबा साहेब कामले ने बताया कि दत्ता मालेकर, रवि मालेकर व उसके अन्य 5-6 दोस्तों ने मिलकर लोहे की रोड व कॉपर वायर से उसकी पिटाई की। जख्मी बाबा साहेब को पहले मनपा के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में मुंबई के KM अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। डोंबिवली पुलिस ने सभी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपी संजय बिठल और कृष्णा कल्याणकर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल डोंबिवली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 4 साल से हम स्टैंड संभाल रहे हैं, डोंबिवली पूर्व लोडा स्टैंड महानगर पालिका। तो 4 साल से हमने तो दत्ता मालेकर को पैसा दिया है, 500 के हिसाब से यूनियन में से उसको दिया है 500 रुपया डेली कलेक्शन। तो हमारा 4 साल में उसका मामा चाचा का लड़का आ गया करके, वो बोला हमको तुम अभी तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी दूसरा काम धंधा देखो। तो ठीक है, हमारा वादा वाद हो गया। बोलो 4 साल से हमने इधर धक मारा नहीं है, 4 साल से स्टैंड में बना है तो स्टैंड से निकल नहीं सकता है। तो ठीक है बोला। तो नंदू परब के पास हम लोग गए तो नंदू परब ने बोला ठीक है, बोलते अभी 15-20 दिन रुक जाओ तो तुम चला स्टैंड। तो उसने नंदू परब ने हमको इतना ही बोला सोमवार से स्टैंड तुम चालू करो बस। और कल क्या कल की घटना, कल की घटना मैं मेरा दोस्त उसने बोला नंदू परब ने तुम्हारा सोमवार से स्टैंड चालू करो, तो मैं मेरा दोस्त बाबा साहेब कांबड़े मी दादाजी पवार हम लोग जानकी होटल में बैठे थे पीने के लिए। तो वहाँ लड़के लोग आए, मैं बाथरूम को गया करके इसने अकेले को उठा के लेके गए के एमआरडीसी में मारा बाबा साहेब कांबड़े को, जान से मारने की कोशिश की। किस तरह हमला किया गया? हमला जब सामने से हमला किया, सामान वीमान लेके आए थे वो लोग सब, और उनको रुमाल विमाल मारा था और फाइटर वीटर लगाया था हाथ में। तो डायरेक्ट बार में घुसे एक एक करके 8-9 जन थे। कौन से हथियार थे? हथियार तो नहीं मालूम हथियार कौन से थे, तो रिक्शा में थे सब हथियार वित्यार, रिक्शा के साथ में थे लोग, बाकी बाइक पे थे, 2 रिक्शा था। कितने लोग सवार थे? तो 7-8 जन थे वो, बाकी के रिक्शे में बैठे थे, अंदर 5-6 जन घुसे थे, बाकी के रिक्शे में बैठे थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।